Juma Mubarak, my baby. Assalamualaikum, उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह का शुक्र है, हम सब बिल्कुल खैरियत से हैं। अभी हम उठे थे, हमने नाश्ता कर लिया था और अभी मैं तैयार भी हो गई हूँ क्योंकि मुझे अम्मी के साथ हॉस्पिटल जाना है। अम्मी के साथ मुझे हॉस्पिटल जाना है, हम भी जा रही है, मोहम्मद भी जा रहा है, मैं भी जा रही हूँ। अम्मी को डॉक्टर ने कुछ टेस्ट दिए थे तो अम्मी ने वो टेस्ट करवा लिए थे, उनके रिपोर्ट्स आ गए हैं, तो अब हमें वो टेस्ट दिखाने के लिए हॉस्पिटल जाना है अम्मी के साथ। और अभी तो फ़िलहाल मैं एमन सेवन की चीज़ लेने के लिए जा रही हूँ क्योंकि जब इनको घर पे छोड़ के जाते तो इनको चीज़ लाने में चाहिए होती है। लाओ पैसे दो, ये सिमन ने मुझे पैसे दिए कि उसको चीज़ ला कर दे दो। अभी मैं जा रही हूँ सिमन के लिए चीज़ लेने, फिर मैं वापस आऊँगी तो फिर मैं अम्मी के साथ हॉस्पिटल जाऊँगी। एमन सिमन की मैं चीज़ लेकर आ गई, अब हम लोग हॉस्पिटल जा रहे हैं। अब मैं आपको खा भी ली मैंने एमन सिमन की चीज़ है ना। अभी हम हॉस्पिटल जा रहे हैं तो मैं आप लोगों को मोहम्मद दिखाती हूँ। मोहम्मद आज फ्राइडे है तो कैसे तैयार हुआ है? आँखें नहीं आई मेरी, माथे नहीं आ रहा, तो बस ये मोहम्मद, आज मोहम्मद ने ग्रे कुर्ता पहना। मोहम्मद बाहर आओ, बोलो जुम्मा मुबारक सबको। अच्छा मोहम्मद भाई बोलो अस्सलाम वालेकुम, हैप्पी फ्राइडे, हैप्पी फ्राइडे, हैप्पी फ्राइडे। भाई हमारे मोहम्मद बहुत प्यारे लग रहे थे तैयार होकर। मोहम्मद बैठा है, मोहम्मद को महाम ने मोहम्मद को खेड़ी भी पिनाई है। देखो भाई सकते में बाथरूम की चप्पलें पहनकर आ गई हॉस्पिटल जाने के लिए। सकते ये हम चार लोग हैं जो हॉस्पिटल को रवाना कर रहे हैं। हॉस्पिटल थोड़ा सा मम्मी को बोले सकरकंद दिलवाना, मम्मी कह रही है थोड़ा टाइम पहुँच गए। अभी हम पहुँच गए अपने हॉस्पिटल, अपने हम हॉस्पिटल के अलावा कहीं आती तक तो ये हम लोग हॉस्पिटल में दाखिल हो गए। हॉस्पिटल में हम दाखिल हो गए, ये आप देख सकते हैं आगे एमरजेंसी की तरफ चवाली हो जाती है, फिर वो ऐसे चलती हैं। देख सकते हैं महाम ने मुझसे अपने स्लीपर्स बदल दिए, क्या थे बाथरूम की चप्पल जो कि महाम ने ले ली, बाथरूम स्लीपर्स मुझे दे दिए कैजुअल। कौन इसलिए बदमाश जा रहे हैं? बदमाश मोहम्मद अपनी नानी के पास मजे करता है दूध पीने के बाद, इसने इतना बनाया भाई पते मज़े की। मैं अपने लोगों के साथ यहाँ पर बैठी हुई हूँ, मुझे छोड़ के वहाँ पर चले जाए। अम्मा अकेली बैठी हूँ। गाइस अभी वॉशरूम गई और मैं वॉशरूम के बाहर खड़ी हूँ। अम्मी ने मुझे अंदर से कहा है कि वॉशरूम के बाहर खड़ी, आप देख सकते हैं मैं वॉशरूम के बाहर खड़ी हूँ और अम्मी अंदर अंदर वॉशरूम हल्का महसूस कर रही हैं। और ये माहम मोहम्मद के मुंह में फिटर घुसेड़ने की कोशिश कर रही हैं। मम्मी ना वेटिंग एरिया में बैठे हुए हैं और मतलब ना तंग कर रहा है, और अभी हमें 2 बजे के आए हुए हैं और टाइम मिला है 4 बजे नहीं मानी 2 घंटे यहाँ पर बैठे बैठे भाई कितना टाइम हो गया है? हम 2 बजे आए, 2 बजे आए थे हम यहाँ पर बैठे बैठे, हमको टाइम आएगा अभी देखिएगा, अभी आएगा 4:48 हो गए हम लोगों को यहाँ बैठे बैठे 4:48 हो गए, और हम लोग कब से इंतज़ार कर रहे हैं अम्मी की बारी का। हमने दरअसल वाइटल्स हो गए अम्मी के अपॉइंटमेंट, और अब डॉक्टर का चेकअप करना बाकी है। अपॉइंटमेंट के बगैर आ गए, अपॉइंटमेंट लेकर आते तो काम जल्दी हो जाता। बंदा जो आप टीवी पे देख रहे हैं इसका फेवरेट होगा ना, महम में महम तुम्हारा फेवरेट बंदा आ रहे थे ये वो हमारी बारी आ गई, हम जा रहे हैं डॉक्टर को दिखाने के लिए। देख सकते हैं आप ये खवातीन बाहर ही निकल रही हैं, हम लोग घर जा रहे हैं। ये लोग घर जा रही हैं, इनकी आप हालत देख सकते हैं, पूरे हॉस्पिटल की सफाई करके आ रही हैं। खाली हाँ
भाई ओपीडी खत्म हो चुकी है, अब हम घर जा रहे हैं और मोहम्मद मोहम्मद ये यहाँ आती है मैं तो इसके यहाँ ससुराल डालमिया में, तो ये जब भी आती है बोलती है मैं मोहम्मद को डालमिया छोड़ने जा रही हूँ, मुझे बहुत तंग करता है इसकी दादी रखी है। गलत बात है, चल क्यों नहीं रही है, पागल आने लेके जाना पड़ेगा। ये बोल रही है चल क्यों नहीं रही है। भाई मैं आप सबको एक बहुत मजे की बात बताऊँ, क्या मेरी अम्मी का वेट हो गया, मेरी अम्मी का वेट हो गया 100 किलो और मेरा वेट हो गया मेरा 100 किलो 100 kg है ना ये, नहीं ना 94 नहीं नहीं 94 था 100 हो गया 94 है अभी भी, पहले था अब 94 हो गया और मेरा हो गया 50। मैंने तो भाई करवाना ही नहीं है, क्यों? मुझे तो करवाना ही नहीं है, बताओ मेरा वेट बढ़ा दिया है, जरा भी कितनी चाहिए ना, सीधा रखी हूँ। हाँ भैया मैं फोन भी पकड़ना सिखाएंगे यार, मेरे मुझे शर्म आ रही है, मेरा वेट 50 किलो हो गया, डूब मारो फिर मोहम्मद, खाले का वेट 50 किलो हो गया मोहम्मद, इसका हाथ निकाली मामी, अब तक डूब क्यों नहीं मरी, क्यों डूब के मरे, तू ही कह रही है हम इतना खाएंगे, मैंने कल एक नान खाई, आधा पराठा खाया, एक बन कबाब खाया, सोच यार मुझे तो छोड़ दे, मैंने एक रोटी खाई, पूरा बर्गर खाया। अम्मी इसके एक मोहम्मद की पिक्चर बनाना, नहीं हम हमें घर का रुके इसके ऊपर करूँ, इसके ऊपर करूँ, भाई ये लोग कह रहे हैं बराए मेहरबानी बात के इस्तेमाल करें, लेकिन हम तो नहीं करेंगे, नहीं करोगे, हम तो नहीं करेंगे। अच्छा भाई तो ये गेट है यहाँ का, अभी हम भाई जा रहे हैं, अच्छा वो गेट है हमें पता नहीं था। और अभी हम रक्षा मिलेगा तो देखते हैं, सामने रक्षा वाले खड़े हैं, अम्मी आपने बहुत थका, मैं रक्षा कर लिया तो रक्षे बैठ रहे हैं करीब, तो चलो मोहम्मद ही आ गया, लगवा रही हूँ मेहंदी, मैं मेहंदी लगवा रही हूँ क्योंकि मेरे मंगेतर ने कहा था मेहंदी लगवाओ, उन्हें मेहंदी बहुत अच्छी लगती है, तो उन्होंने कहा मुझे मेहंदी अच्छी लगती है, तू मेहंदी नहीं लगवाती, तो इसलिए मैं मेहंदी लगवा रही हूँ। डिनर पे जा रही हो? पकड़ी गई, पकड़ी गई, ये लंच पे जा रही है, नाश्ते पे जा रही है, सब बता दें आप, तो तुम अपने क्या नाम है, और लगा रही है मेहंदी जो के है वो है महान, अरे भाई सीधा सीधा बोलो डिनर पे जा रही है, कितना पाला है मेरा बेटा, सबसे पाला है मेरा बेटा, सबसे पाला है मोहम्मद, एक मेहंदी की तो कोई भी हाथ डालना, मैंने भी मेहंदी लगवाई है, महम अपने भी मेहंदी लगा रही है, और महम ने मोहम्मद के भी मेहंदी लगाई है, जो हमने मेहंदी क्यों लगाई है, ये नहीं मोहम्मद की मेहंदी माम है, मोहम्मद सब ने किसी ना किसी वजह से मेहंदी लगाई है, महम ने किस वजह से मेहंदी लगाई है भाई, नहीं बताऊंगी, मोहम्मद की क्यों लगाई है, उसके हाथ पे तो माम लिखा है, मैंने अपने मंगेतर की वजह से मेहंदी लगवाई है, उनका दिल कर रहा था कि हम ना मेहंदी लगाओ, तो मैंने मेहंदी लगा ली। खैर इस ब्लॉग को अभी यहीं पे एंड करते हैं, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें, अल्लाह हाफिज़।